वक्त की बड़ी खबर, रायपुर से शराब कारोबारी सुभाष शर्मा पर कार्रवाई हुई है। 7 करोड़ 85 लाख से ज्यादा की प्रॉपर्टी अटैच है। सीबीआई ने दर्ज किया है मनी लॉन्ड्रिंग का केस। करोड़ों के बैंक फ्रॉड के मामले में ईडी की कार्रवाई की गई है। शराब कारोबारी सुभाष शर्मा पर ईडी की कार्रवाई। 7 करोड़ 85 लाख से ज्यादा की प्रॉपर्टी अटैच। मनी लॉन्ड्रिंग का केस इन पर हुआ है। करोड़ों के बैंक फ्रॉड के मामले में ईडी ने ये कार्रवाई की है। फर्जी कंपनी बनाकर करोड़ों का कारोबार कर रहे थे। 7 करोड़ 85 लाख से ज्यादा की प्रॉपर्टी है। आपको बता दें, करोड़ों रुपए की हेराफेरी और फ्रॉड का काम किया जा रहा था सुभाष शर्मा पर। यह कार्रवाई इसलिए की गई है। 7 करोड़ 85 लाख से ज्यादा की प्रॉपर्टी अटैच है। सीबीआई ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था करोड़ों के बैंक फ्रॉड के मामले में। ईडी ने अब कार्रवाई शुरू कर दी है और छापा मारा है। रायपुर से बड़ी खबर हम बता रहे हैं आपको। सीबीआई ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया है करोड़ों के बैंक फ्रॉड में मामले में। ईडी ने यह कार्रवाई की है। जो वहां के कारोबारी हैं, शराब कारोबारी सुभाष शर्मा पर यह कार्रवाई की गई है ईडी के द्वारा। और आपको बता दें, ईडी की ये बड़ी कार्रवाई शराब कारोबारी सुभाष के यहां पर 7 करोड़ 85 लाख से ज्यादा की प्रॉपर्टी का है। बुलेटिन में इतना ही। देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस।